नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीरुल खान। स्वागत है मेरे चैनल सोहाना 3D होम डिज़ाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक छोटा सा मंदिर के डिज़ाइन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पे 10 फीट चौड़ाई है और 10 फीट लंबाई है इस मंदिर का। जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो गार्डन वगैरह दिया हुआ है, ये पूरा हमारा एक प्लॉट साइज है, ठीक है ना। और जो मंदिर है हमारा, जो मंदिर बना हुआ है, वो 10 फीट बाई 10 फीट में बना हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका नक्शा दिखाऊंगा और इसके बाद इसका लेआउट, फाउंडेशन, सारा प्लान के बारे में बता दूंगा अभी। तो जैसे कि आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि मंदिर का डिज़ाइन हमने ऊपर में छोटा सा डिज़ाइन है 10 फीट बाई 10 फीट का। मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट का हमारा पूरा मंदिर डिज़ाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो कि चारों साइड से हमने छोटा सा एक गार्डन टाइप का कर दिया है। इसमें भी फाउंटेन वगैरह भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब फाउंटेन वगैरह भी ये सारा चीज़ लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चारों साइड से हमने घूमने के लिए दे दिया है, मतलब कि वॉक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि चारों साइड का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और दोस्तों यहाँ पे हमने वॉल में भी जो है डिज़ाइन दिया हुआ है, तो मैं अभी आपको नक्शा में बताऊँगा कि क्या साइज़ है इनका। और ऊपर में देख सकते हैं कि ये हमारा जो डोम है, ठीक है ना, ये आपका पूरा जो है POP और जो है ब्रिक वर्क से बनेगा। पहले तो ब्रिक वर्क का काम होगा इसमें, और जो भी बाकी बात जो काम होगा वो आप जो है POP का करवा सकते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर काम मंदिर में जो है दोस्तों वो POP का होता है, और RCC और ब्रिक वर्क। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ गए हैं नक्शा में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो है हमारा टोटल जो है, और बाकी हमने 3-3 एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो बाहर से दिया हुआ है डिज़ाइन के लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉट डॉट जो है हमारा, ये पूरा जो हमारा छत निकलेगा बाहर आएगा छत, ठीक है। और जो हमारा मंदिर रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई भी 10 फीट 1 इंची है, और इधर से चौड़ाई भी 10 फीट 1 इंची होगा, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदर अंदर का अगर हम बात करें तो 9 फीट 3 इंची आएगा, और इधर लंबाई से भी अगर बात करेंगे तो 9 फीट 3 इंची आएगा, ठीक है। और जो आप चारों साइड से जो वॉल है वो 5 इंची का दे दीजिएगा प्लास्टर करके, और सामने हमारा 3 फीट 11 इंची का जो है दरवाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं पीला टाइप का, ये हमारा पूरा वॉल आएगा, ठीक है ना, पूरा वॉल हो जाएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों, ये 3 कॉलम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तीनों कॉलम हमारा जो है राउंड में RCC में डायरेक्ट जो है ग्राउंड फ्लोर से मतलब छत पे जाएगा, मतलब रोड लेवल से जो है डायरेक्ट रूफ बीम तक जाएगा, जो हमारा छत का लेवल होगा वहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आ गए हम लेआउट और फाउंडेशन प्लान में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो कॉलम कितना कितना दूरी पे आप यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसका PDF दे दूँगा, ठीक है ना, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर दीजिएगा। वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से डाक के डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर बाई सेंटर कितना हमने दिया हुआ है, क्या कहाँ कहाँ पे कॉलम आएगा, ठीक है ना। तो ये चारों साइड का यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर दिया हुआ है, और उसके बाद इसका जो है लेआउट प्लान में यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 इंची 4 इंची 10 इंची जहाँ जहाँ पे कॉलम बैठेगा वहाँ पे C1 C2 जो भी दोस्तों कॉलम आएगा ना, आपका कॉलम का नाम, वो सारा चीज़ यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद इसका जो फाउंडेशन होगा, आप ये फाउंडेशन पूरा में ही मिट्टी निकाल करके, खुदाई करके आप यहाँ पे जाली बैठा के डाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसका ज़्यादा डिटेल में आपको इसका नक्शा में मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज़, फाउंडेशन का सारा चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कॉलम में कितना MM का रड वगैरह लगेगा, ठीक है ना, क्या कॉलम का साइज आएगा, 10 बाई 15 का कॉलम है, और कितना MM का रट लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 सोलो है तो 2 12 MM है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन इसका देख सकते हैं किस तरह से सेक्शन बनेगा इसका। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट, और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको भी बनवाना है नक्शा या डिज़ाइन, हमारा नंबर है, आप वहाँ से कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है।